कपूर खानदान की छोटी प्रिंसेस का रिवील हुआ चेहरा। नीली आंखें, क्यूट सी स्माइल, ऐसी दिखती है रणबीर और आलिया की बिटिया रानी। आलिया और रणबीर कपूर अपने प्रिंसेस की प्रोटेक्शन को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहते हैं। जब से राहा का जन्म हुआ है तब से मम्मी आलिया और पापा रणबीर कपूर दोनों ने अपनी बेटी का चेहरा किसी को नहीं दिखाने का वादा किया था। लेकिन क्रिसमस के मौके पर आलिया रणबीर ने दिया अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज। काफी समय से फैंस आलिया की बेटी का चेहरा देखना चाहते थे, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। जी हाँ, आलिया और रणबीर ने क्रिसमस के मौके पर फैंस को अपनी बेटी का दीदार करा ही दिया। इन 24 न्यूज के कैमरे में कैद हुई आलिया की बेटी राहा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखे। राहा की क्यूटनेस ने फैंस का दिल जीत लिया। कपूर खानदान में आज जोरों शोरों से क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। कपूर फैमिली के क्रिसमस लंच के दौरान रणबीर आलिया ने बेटी राहा संग पैप्स को जमकर पोज दिया है। कपूर ने पहली बार पब्लिकली अपनी बेटी का चेहरा दुनिया के सामने रिवील किया है। रणबीर अपनी लाडली बेटी को गोद में लिए नजर आए। राहा को देखकर फैंस की निगाहें उनसे हटी नहीं पा रही थी। राहा की क्यूटनेस, उनकी स्माइल और नीली आंखों ने फैंस की धड़कनों को तेज कर दिया। पापा रणबीर की गोद में राहा पाउडर पिंक और व्हाइट फ्रॉक में नजर आई। दो चोटी बनाए राहा बहुत ही खूबसूरत दिखी। राहा की चोटियों में कार्टून क्लिप्स लगे हैं। पिंक और व्हाइट फ्रॉक संग लिटिल राहा रेड शूज पहने दिखे। राहा के फोटोज और वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। राहा के बबली और क्यूट लुक्स देखकर एक फैन ने लिखा, ये तो पूरी कपूर खानदान पर गई है। दूसरे ने लिखा, कितनी प्यारी है राहा। कोई राहा को उनके दादा ऋषि कपूर की कॉपी बता रहा है तो किसी का कहना है कि राहा अपने पिता रणबीर कपूर की तरह दिखती है। बता दें कि आलिया भट्ट ने अप्रैल 2022 में रणबीर कपूर संग शादी रचाई थी। शादी के बाद कपल के घर 6 नवंबर 2022 को नन्ही परी राहा का जन्म हुआ था। आलिया रणबीर की बेटी 1 साल की हो गई है। बीते महीने कपूर खानदान में धूमधाम से राहा का पहला जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया था और अब फाइनली राहा का दीदार करके की खुशी का ठिकाना नहीं है। आपको आलिया और रणबीर की बेटी को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज, मुंबई।